अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 13A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को डिटेल में कवर किया। हमने सेक्शन 13A के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को बेरक से लाइन बाय लाइन समझते हुए हमने उसे कवर किया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि बात करता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, यानी आपसी सहमति से विवाह विच्छेद कराना, आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दाखिल करना। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे के कंसेंट से म्यूचुअली अग्री होकर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का पिटीशन फाइल कर सकते हैं बिफोर कोर्ट अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इस पर्टिकुलर सेक्शन को शुरू करने से पहले हम अपने अब तक के सेक्शंस को रिकॉल कर लेते हैं। जैसे सेक्शन 5 बात करता है कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में, जिसमें 5 कंडीशंस हैं। सेक्शन 6 गार्जियनशिप इन हिंदू मैरिज, जो कि रिपील हो चुका है। सेक्शन 7 सेरेमनी ऑफ हिंदू मैरिज। सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन। सेक्शन 11 वॉइड मैरिज। 12 वॉइडेबल मैरिज। सेक्शन 13 डाइवोर्स। 13A अल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स। 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। सेक्शन 13B को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे सेक्शन 14 के बारे में, क्योंकि जब जब हस्बैंड और वाइफ सेक्शन 13B का पिटीशन फाइल करेंगे तो उन्हें सेक्शन 14 को ध्यान में रखना होगा। सेक्शन 14 क्या कहता है? नो पिटीशन ऑफ डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। विवाह के 1 साल के अंदर अंदर किसी भी डाइवोर्स पिटीशन को फाइल नहीं किया जा सकता है और ना ही कोर्ट उसे एंटरटेन करेगी। तो ये जो लाइन है नो पिटीशन ऑफ डाइवोर्स, ये अपने आप में इस चीज को क्लियर करती है कि जब हम डाइवोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां हम दोनों फॉर्म ऑफ डाइवोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कंटेस्टेड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स एज वेल एज म्यूचुअल डाइवोर्स। कंटेस्टेड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स विच इज सेक्शन 13, जिसमें एक पार्टी डाइवोर्स लेना चाहता है अगेंस्ट द विश एंड कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। वहीं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में दोनों पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ दे बोथ आर अग्रीड एंड हैव अ राइट। And have arrived into conclusion that they both are going to file divorce petition with their own consent, with their free will, right? तो सेक्शन 14 ये कहता है कि कोई भी petition of divorce विवाह के 1 साल के अंदर फाइल नहीं किया जा सकता है और ना ही कोई कोर्ट इसे entertain करेगी। तो यानी divorce petition विवाह के 1 साल के बाद ही फाइल किया जा सकता है, राइट? अब डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट को समझने से पहले, अपने बेयर एक्ट को पढ़ने से पहले हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आगे समझते हैं। जब कभी भी डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया जाता है अंडर सेक्शन 13B, तो 2 मोशन पिटीशन फाइल किया जाता है, 2 पिटीशन फाइल किया जाता है, राइट? जो पहला पिटीशन फाइल किया जाएगा अंडर सेक्शन 13B, इस पे दोनों पार्टीज कोर्ट में अपीयर होंगे और पिटीशन को फाइल करेंगे। पिटीशन पे दोनों का सिग्नेचर होगा, दोनों पार्टीज के एडवोकेट्स का सिग्नेचर होगा, जो अपने आप में इस बात का प्रमाण होगा कि दोनों आपसी सहमति से
तलाक लेना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, जब ये दोनों एक साथ इस पिटीशन को फाइल करेंगे तो कोर्ट 6 मंथ का एक डेट देगी, टाइम पीरियड देगी, जिसे हम कहते हैं कूलिंग पीरियड। जिस दिन पिटीशन फाइल किया जाएगा, कोर्ट हर शक प्रयास करेगी कि इन दोनों के बीच के आपसी संबंध को फिर से स्थापित किया जाए, और कोर्ट हर वो एफर्ट्स करेगी, उन्हें समझाएगी, उन्हें लेसन्स देगी कि वो एक साथ रहें, डाइवोर्स ना लें। फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो कोर्ट 6 महीने का कूलिंग पीरियड ग्रांट कर देगी, इस उम्मीद से कि अगर इन दोनों के बीच एक साथ आने का 1% भी चांस है तो उसे मिस नहीं किया जाए। और इन 6 महीनों में अगर वो दोनों एक साथ आना चाहते हैं या कोई पार्टी अपने कंसेंट को विथड्रॉ करना चाहती है तो वो कर सकती है, राइट। लेकिन फिर भी अगर 6 महीने का टाइम पीरियड बीत गया है और इन दोनों के वापस एक साथ रहने का कोई चांस नहीं है, तो आफ्टर 6 मंथ बट अप टू 18 मंथ, 6 महीने के बाद और 18 महीने तक सेकेंड मोशन पिटीशन दोनों पार्टीज अगर फाइल कर देते हैं, एक बार फिर से सेक्शन 13B का पिटीशन कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर देते हैं, अब कोर्ट बाउंड है डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास करने के लिए। सेकेंड मोशन पिटीशन अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि अब कुछ भी हो जाए, इन दोनों के बीच पहले जैसा जो रिश्ता था, जो संबंध था, वो स्थापित नहीं हो सकता है और ये दोनों एक साथ रहने के लिए किसी भी शर्त पर राजी नहीं है, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट मोशन पिटीशन प्रेजेंट करने के बाद 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा, और 6 महीने के बाद और 18 महीने तक, यानी 6 महीना 1 दिन या 7वें महीना या 8वें महीना में अगर दोनों के द्वारा सेकेंड मोशन पिटीशन फाइल कर दिया जाता है तो कोर्ट डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास करने के लिए बाउंड है, राइट। अब होता क्या है अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखें, तो जैसे ही वाइफ सेक्शन 498A का केस फाइल करती है, FIR लॉन्च करती है, तो इसके साथ ही वो फाइल करती है सेक्शन 125 CRPC का केस, पिटीशन फाइल करती है फॉर मेंटेनेंस, सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस फाइल करती है, और सेक्शन 13 का जो कि डाइवोर्स के बारे में बात है, कंटेस्टेड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स का पिटीशन है, उसे भी फाइल करती है। तो पत्नी एक साथ ये 4 केसेस फाइल करती है अगेंस्ट हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेंबर्स। ये 4 केस अलग अलग कोर्ट में फाइल होकर पैरेलल चल पड़ती है। तो यहां पे जो डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया गया है ये है कंटेस्टेड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स, और इसे भी आफ्टर 1 ईयर ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज फाइल किया जाएगा। हस्बैंड के पास केवल एक ही ऑप्शन अवेलेबल होता है, अगर हस्बैंड नहीं चाहता है डाइवोर्स तो हस्बैंड सेक्शन 9 का केस फाइल करता है, विच इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, वैवाहिक अधिकारों का पुनर्स्थापन, और ये कहता है कि वो हर शर्त पर पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी पत्नी उससे डाइवोर्स लेना चाहती है। कोर्ट्स भी हर पॉसिबल एफर्ट्स करती हैं, ये मामला मेडिएशन में जाता है, दोनों पार्टीज के एडवोकेट्स भी एफर्ट्स लगाते हैं कि इन दोनों का जो संबंध है वो बच जाए, जज साहब भी एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन सभी एफर्ट्स लगाने के बाद अगर पत्नी ने डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया था अगेंस्ट हस्बैंड और हस्बैंड ने सभी कोशिश कर लिया लेकिन फिर भी पत्नी तैयार नहीं है एक साथ रहने के लिए, तो अब दोनों एक साथ मिलकर के कॉम्प्रोमाइज करते हुए, क्योंकि पति ने भी सारा एफर्ट्स कर लिया है, तो अब दोनों एक दूसरे के सहमति से सेक्शन 13B का पिटीशन फाइल कर सकते हैं।
कुछ शर्तों पे, राइट। तो ये था बैकग्राउंड। अब जब हम बेयर एक्ट को पढ़ेंगे तो सभी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होने लगेंगी। इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर पिटीशन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आपको समझा दिया। अगर आप कमेंट करोगे तो सेक्शन 13B का ड्राफ्टिंग कैसे होता है, किस तरह से एप्लीकेशन लिखा जाता है, उसे भी मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो सेक्शन 13B क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस के तहत अ पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को लेकर के कोई पिटीशन फाइल किया जाता है ताकि डिक्री ऑफ डाइवोर्स मिल सके, तो उस पिटीशन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है दोनों पार्टीज के द्वारा एक दूसरे के सहमति से, फिर चाहे उनका मैरिज सोलेमनाइज हुआ हो इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले या इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद। सेक्शन 13B का पिटीशन दोनों पार्टीज इस ग्राउंड पर फाइल कर सकते हैं कि वो दोनों पिछले एक साल या उससे ज्यादा के समय से अलग रह रहे हैं, दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, कि अब वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, दैट दे हैव म्यूचुअली अग्रीड दैट मैरिज शुड बी डिसॉल्व। अब उन दोनों ने आपसी सहमति से ये तय कर लिया है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेंगे, राइट। ऑन द मोशन ऑफ बोथ द पार्टीज मेड नॉट अर्लियर देन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 एंड नॉट लेटर देन 18 months आफ्टर द सेड डेट। तो वही कह रहा है कि पहला मोशन पिटीशन जब वो फाइल करेंगे तो उसके बाद 6 महीने के बाद, लेकिन 18 महीने तक वो सेकेंड मोशन पिटीशन को अगर फाइल कर देते हैं और इस बीच वो दोनों में से कोई भी अपने कंसेंट को विथड्रॉ नहीं करता है, और कोर्ट उन दोनों पार्टीज को सुनने के बाद उस पिटीशन में जो स्टेटमेंट है उसकी इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट मैरिज को डिसॉल्व करते हुए डिग्री ऑफ डाइवोर्स पास कर देगी, राइट। यही है सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब देखो, जब सेक्शन 13B का पिटीशन फाइल किया जाता है तो हस्बैंड और वाइफ अपने आप में कुछ सेटलमेंट करते हैं, जैसे कि ये सभी जो मुकदमे चल रहे हैं इन्हें जो है खत्म कर दिया जाएगा, हस्बैंड वाइफ को एक लमसम अमाउंट पे करेगा और ये लमसम अमाउंट हस्बैंड सेक्शन 13B के दाखिला के समय कर सकता है या कुछ अमाउंट वो सेकेंड मोशन पिटीशन के समय कर सकता है। तो ये दोनों सेटलमेंट हस्बैंड और वाइफ के बीच होता है, किस कंडीशन पे वो दोनों पर्सन्स, वो दोनों पार्टीज सेक्शन 13B का दाखिला कर रहे हैं। साथ ही ये कंडीशन भी, दोनों इस कंडीशन पे भी राजी होते हैं कि फ्यूचर में दोनों के द्वारा एक दूसरे के अगेंस्ट कोई मुकदमा दाखिल नहीं किया जाएगा। तो कंडीशन क्या होगा, किस शर्त पे दोनों ने सेक्शन 13B के पिटीशन को फाइल किया है, ये दोनों के आपस की बात है, इसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, राइट। अब एक केस है हमारे पास, हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का केस है, जिसमें ये कहा गया कि कोर्ट इज बाउंड टू पास डिग्री ऑफ डाइवोर्स, कोर्ट बाउंड है डिग्री ऑफ डाइवोर्स पास करने के लिए, डिक्लेयरिंग द मैरिज ऑफ पार्टीज बिफोर इट टू बी डिसॉल्व विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ डिग्री इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। तो अगर ये सभी कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो कोर्ट बाउंड है डिग्री ऑफ डाइवोर्स पास करने के लिए।
पहला, अ सेकंड मोशन ऑफ बोथ द पार्टीज इज मेड नॉट बिफोर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पिटिशन एज रिक्वायर्ड अंडर सब सेक्शन 1 एंड नॉट लेटर देन 18 months. तो अगर सेकंड मोशन पिटिशन आफ्टर 6 months बट अप टू 18 months प्रेजेंट कर दिया गया है दोनों पार्टीज के द्वारा, तो कोर्ट बाउंड है डिग्री ऑफ डाइवोर्स पास करने के लिए. दूसरा, आफ्टर हियरिंग द पार्टीज एंड मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट एवरमेंट्स इन पिटिशंस आर ट्रू. तो इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट को अगर ऐसा मालूम पड़ता है कि पिटिशन में जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं. तीसरा कहता है, पिटिशन इज नॉट विथड्रॉन बाई आइदर पार्टी एट एनी टाइम बिफोर पासिंग ऑफ डिक्री. फाइनल डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास करने से पहले अगर दोनों पार्टीज में से किसी ने भी अपने कंसेंट को विथड्रॉ नहीं किया है तो कोर्ट बाउंड है फाइनल डिग्री ऑफ डाइवोर्स पास करने की. तो ये था सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जिसे मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ साथ जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, जिस तरह से आपके बेयर एक्ट में सेक्शन 13B को डिफाइन किया गया है, दोनों को मैंने एक साथ लेकर के समझाने की कोशिश करी है, ताकि म्यूचुअल कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट है आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सके. पीछे जनरेटर की आवाज़ आ रही थी और मेरी ये कोशिश थी कि मैं तेज तेज बोलूं ताकि वो जो आवाज़ है वो छिप सके. अभी हल्का हल्का पेट दर्द करने लगा है, तो इस एफर्ट को देखते हुए प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न टुगेदर वी. आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके बीच ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ वीडियोज़ लाता रहूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे.